एक मित्र ने पूछा है, गुरु सद्गुरु एवं परम गुरु में क्या भेद है। पहले शिक्षक शब्द को भी समझ लो। शिक्षक कौन है? जो जानकारी के आधार पर तुम्हें समझाता है वो शिक्षक है। शिक्षक का संबंध अनुभव से नहीं है, वाचक ज्ञान से, अनुभव ज्ञान से नहीं है। एक शिक्षक किताबों में जो पढ़ता है, कहीं से जानकारी इकट्ठा करता है और उस जानकारी को तुम तक पहुंचाता है। जैसे कोई फिजिक्स का शिक्षक है, जिसको टीचर अंग्रेजी में कहते हैं, वो फिजिक्स का उसने वाचक ज्ञान प्राप्त कर किया है, वो फिजिक्स को तुम तक पहुंचाता है। केमिस्ट्री, मैथ्स, बाहर का जो भी ज्ञान है उस ज्ञान को जो उसने दूसरों से जाना है, पढ़ा है किताबों में, जिसका अनुभव से संबंध नहीं है, उसको तुम तक पहुंचाता है, वो शिक्षक है। बाहर के ज्ञान से शिक्षा, शिक्षक, छात्र का संबंध है। लेकिन एक और ज्ञान है जिसका संबंध अनुभव से है, अनुभव ज्ञान जिसको कहते हैं। बाहर का जो भी ज्ञान है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसको प्रयोगशाला में सिद्ध किया जा सकता है। जैसे शिक्षक कह रहा है कि जिस पदार्थ में सोडियम होगा उसका अगर टेस्ट करो तो सुनहला फ्लेम निकलेगा। अब प्रयोगशाला में देख लो, निकल रहा है। कैल्शियम है, लाल फ्लेम निकलेगा, प्रयोगशाला में टेस्ट कर लो, सब कोई देख सकता है। लेकिन एक अनुभव ज्ञान है जिसका एक्सपीरियंस किया जा सकता है, एक्सपीरियंस कराया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता है। अर्थात जो विज्ञान है वो क्या किया जा सकता है? एक्सपेरिमेंट से सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन अध्यात्म है, किसी एक्सपेरिमेंट से नहीं, उसको एक्सपीरियंस से सिद्ध किया जा सकता है। अध्यात्म तो बहुत दूर है। जैसे मान लो रसगुल्ला है, मीठा है। अब मीठा है तो प्रयोगशाला में नहीं सिद्ध कर सकते कि ये मीठा है, लेकिन एक्सपीरियंस से सिद्ध किया जा सकता है। गुरु कहेगा कि मैंने खाया है, ये मीठा है, तुम भी खाओ, तुमको भी मीठा लगता है। तो एक्सपीरियंस से ये सिद्ध हो रहा है, एक्सपेरिमेंट से नहीं। सारा अध्यात्म रसगुल्ले की तरह है। जो एक्सपीरियंस के आधार पर ज्ञान देता है वो गुरु है। जैसे कुश्ती का भी कोई गुरु हो सकता है, दाव पेंच सिखा रहा है, अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। चित्रकला का गुरु हो सकता है, संगीत का गुरु हो सकता है, किसी भी विधा का जो कि एक्सपीरियंस के आधार पर ज्ञान का ट्रांसफर कर रहा है, वो अध्यात्म भी उसमें शामिल है। लेकिन केवल आध्यात्मिक गुरु हो कोई जरूरी नहीं, कहना पड़ेगा तुमको कि आध्यात्मिक गुरु है, अर्थात आध्यात्मिक अनुभव है जो वो बांट रहा है। तो जो आध्यात्मिक गुरु हुआ उसको सतगुरु कहते हैं। अध्यात्म क्या है? सत्य का ज्ञान, ट्रुथ का ज्ञान, शाश्वत का ज्ञान। शाश्वत तत्व जो भी तुम्हारे भीतर है, नाद गूंज रहा है, आत्मा में नूर जगमगा रहा है, वहाँ उमंग है, वहाँ मंगल है, आनंद है, चैतन्य है, प्रेम है। आत्मा में कई तत्व हैं। और फिर ये तो घट के भीतर की बात है, घट के बाहर परमात्मा का आनंद सागर लहरा रहा है, ब्रह्म है बाहर। ब्रह्म का भी अनुभव किया जाता है। अब ब्रह्म का अनुभव जो कराता है वो सतगुरु है। सत्य का जो अनुभव जो गुरु कराता है, शाश्वत का जो अनुभव कराता है, जो सदा है,
जो अनुभव कराता है वो सतगुरु है। तो गुरु और सतगुरु में भेद स्पष्ट है कि अनुभव पर आधारित कोई ज्ञान देता है उसका नाम गुरु है, जो वाचक ज्ञान देता है उसको शिक्षक कहते हैं। और गुरु में भी अनेक प्रकार के अनुभव है, मगर जिन अनुभवों का संबंध सत्य से है, शाश्वत से है, उसका जो ज्ञान देता है वो सतगुरु है। अब परम गुरु कौन है? जब तक शरीर में है तब तक सतगुरु है, लेकिन अब देह से मुक्त हो गया, उसके बाद भी वो डिसाइड कर सकता है कि मैं जहाँ भी सत्य का ज्ञान दिया जा रहा है, चाहे अपनी परंपरा में चाहे किसी और परंपरा में, हम साधकों की मदद करेंगे, तो परम गुरु हो जाता है। जैसे ओशोधारा हमारी परंपरा है, यहाँ पर हमें तीन परम गुरुओं का सहयोग प्राप्त है नियमित रूप से। ऐसे तो कई सदगुरु मदद करते हैं, लेकिन नियमित रूप से कौन कौन है? ओशो, सूफी बाबा, गुरु नानक देव, इन तीनों का निरंतर सहयोग ओशोधारा के साधकों को मिलता है, ओशोधारा के गुरुओं को मिलता है। इसलिए ये तीन परम गुरु हम सबको परम गुरु के रूप में मान्य हैं। वैसे मैं तुमसे बताना चाहूँगा, इन तीनों के अतिरिक्त भी कई अलग अलग परंपराएं हैं जिनके अलग अलग मिस्टिक ग्रुप्स हैं। सामान्यतः वे अपनी परंपरा के लोगों को गाइड करते हैं, जैसे बुद्ध का मिस्टिक ग्रुप है, सूफी मिस्टिक ग्रुप है, सप्तर्षियों का मिस्टिक ग्रुप है, ऐसे अन्य परंपराओं में भी परम गुरु विद्यमान है। लेकिन ओशोधारा बहुत भाग्यशाली है इस मामले में, क्योंकि इन तीनों के अतिरिक्त भी और भी जो दूसरी परंपराएं हैं उनके भी परम गुरुओं का सहयोग हमको प्राप्त है। तीन शब्दों को इसलिए ठीक से समझ लो, गुरु अर्थात अनुभव ज्ञान का दाता। अनुभव कई प्रकार के हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक अनुभव है उसका ज्ञान जो देता है वो सतगुरु है। और देह से मुक्त होने के बाद जो सतगुरु निर्णय लेता है कि ज्ञान, अनुभव ज्ञान को देने में हम सहयोग किया करेंगे, उसे परम गुरु का स्थान प्राप्त होता है। लेट्स एक्नॉलेज।